सर, आज जो बजट पास हुआ है, सरकार ने बजट पास किया है, तो बजट को लेकर आपको क्या कहना है? देखिए, बजट में कहीं कुछ है नहीं, बजट दिशाहीन है। न तो नौजवानों को रोजगार के कोई इंतजाम किए गए हैं, न किसानों के बेहतरी के लिए कोई इंतजाम किए गए हैं। कह दिया कि हम किसान की आमदनी 2022 तक जो है दोगुनी कर देंगे, लेकिन ये तो नहीं बताया कि कैसे करेंगे, और ना जो है उनकी उपज के मूल्य को बढ़ाने की कोई बात की है, ना उनकी उपज के मूल्य में कोई बढ़ोतरी की बात की है, ना गन्ने के मूल्य 3 वर्षों से नहीं बढ़े, गेहूं के धान के मूल्य उसी तरह हैं, तो कैसे किसान की आमदनी दोगुनी होगी? केवल एक सरकार ने अपना गाल बजाने का काम किया, लेकिन है टैक्स में छूट दिए गए और 5 लाख में 0% कर दिया। हाँ, टैक्स में छूट दी है, लेकिन जो नौजवानों के रोजगार की बात है, जो और किसानों की बेहतरी के लिए, किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लिए, किसानों के उत्थान के लिए की जो बात है, उस पर तो कहीं कोई काम नहीं हुआ है। कि महंगाई से निपटने के कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं, ना महंगाई घटाने के बारे में कोई व्यवस्था की गई है। तो इस तरह से जो बजट है ये दिशाहीन है। बजट में किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, आम आदमी के लिए कहीं कुछ भी नहीं है। केवल जो है सरकार ने अपने को बेहतर होने का गाल जरूर बजाया।